चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मिल जाएगी मंजिल, या तो मिल जाएगी मंजिल, या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ YP पे। और आज आप लोगों के बीच फिर से लेके आया हूं ये CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6। ये छठवां वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे पास जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे विदिन सेकंड में किया जाए। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका हमें मालूम है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हमें मालूम है आप लोग हर एक मेथड जानते होंगे। लेकिन हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा ऐसे क्वेश्चनों को जो हमारे पास बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। 15 से 20 मिनट देने से आप सबका कुछ नहीं नुकसान होगा, लेकिन आप लोगों का फायदा ही होगा। बस 15 से 20 मिनट तक आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रहिएगा। आप लोग शुरू में 5 मिनट ही टाइम दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों को 5 मिनट के बाद सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। करा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.3% की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.3% की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है, और दूसरे वर्ष के लिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया 280 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के लिए CI दिया है 280 रुपये, तो क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन ज्ञात कीजिए। अब निकालिए आप लोग मूलधन, आप लोग निकालिए ना मूलधन कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आता है हमारे पास हार्ड लेवल में, लेकिन इसको हम लोग आज इजी बना के देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने इसके बहुत सारे मेथड देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इजी मेथड बताएंगे। आप लोगों को अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे, ज़रूर मैंने आप डिस्कशन किया है उसमें ट्री मेथड के बारे में, यानी ट्री मेथड हमारे पास क्या होता है। आज हम लोग जितने क्वेश्चन करने वाले हैं ये टाइप 9 है। इसके ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग मुझे पूरे 5वें वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ट्री मेथड हमारे पास क्या होता है। कोई धनराशि हमारे पास जैसे P है, मान लो हमारे पास कोई धनराशि P है, मूल राशि है, उस पर कुछ ना कुछ CI लगेगा, SI लगेगा। पहले वर्ष के लिए SI इतना, दूसरे वर्ष के लिए SI इतना। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोनों वर्षों के लिए क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। दोनों वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, CI का मान क्या होता है, जैसे पहले वर्ष के साधारण ब्याज सेम, दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज सेम, तीसरे दूसरे वर्ष में जो CI होगा ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी SI पर भी क्या लगेगा, हमारे पास ब्याज लगेगा, वही हमारे पास क्या होता है, CI। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे हमारे पास दिया है 33.1% रेट परसेंटेज हमारे पास दिया है 33.1/3, फ्रैक्शन में वैल्यू 1/3, ये सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, हमारे पास मूलधन तो मालूम नहीं है, मूलधन कितना होता है मालूम नहीं है, मूलधन तो हमें मालूम नहीं है। मूलधन हम मान ले रहे हैं, जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है तो मूलधन मान ले रहे हैं 3 का स्क्वायर कितना मानेंगे, 9। ये क्यों मानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अब देखिए, हम मान ले रहे हैं 9 रुपये रहा होगा हमारे पास, 9 रुपये रहा होगा, तो उसके लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए 1/3 लगेगी, पहले वर्ष के लिए 1/3 लगेगी, यानी 3 रुपये पहले वर्ष के लिए लगी होगी। और दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज कितनी लगेगी, 9 का 1/3 यानी 3 रुपये लगेगी, 3 रुपये लगेगी 9 का 1/3, कितने का, 9 का, यहाँ गुणा करा दीजिए 1/3 का, 9 का 1/3 यानी कितना होगा, 3 रुपये दूसरे वर्ष के लिए भी लगेगी। अब देखिए, ध्यान से समझिए, लेकिन दूसरे वर्ष पे जो ये 3 रुपये आ रहा है, इस पर भी क्या लगेगी, रेट परसेंटेज यानी 1/3 ब्याज लगेगी, वही हमारे पास क्या होगी, दूसरे वर्ष पर जो ब्याज पर भी ब्याज लगती है ना, वही हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दूसरे वर्ष पर जो ब्याज पर लगेगी यानी क्या होगा, हमारे पास 3 का 1/3 लगेगी, कितना लगेगा, ये हो जाएगा 1 रुपये, यानी दूसरे वर्ष के लिए जो 3 रुपये साधारण ब्याज लगी है, ब्याज पर भी ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज, 1 रुपये ब्याज लगेगी। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास क्या होगा, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना 1 रुपये होगा, और दोनों वर्ष के लिए देखिए, ये दो वर्ष के लिए कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 1/3 यानी कितना होगा हमारे पास, 4 रुपये होगा। दोनों वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना रहने वाला है, 4 रुपये होगा, लेकिन क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग 4 नहीं कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ये कितना है, 280 रुपये है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 280 रुपये है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 70 गुना ज़्यादा है भैया। दोनों वर्ष के लिए देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दिया 280,
दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया 280। ध्यान से समझिए, पहले वर्ष के लिए भी हमारे पास, देखिए पहले वर्ष के लिए सीआई और एसआई दोनों सेम होता है, पहले वर्ष के लिए सीआई और एसआई दोनों सेम होता है, बात तो सही है। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो होता है सीआई माइनस एसआई के डिफरेंट, यानी एक रुपये हो रहा है ना दूसरे वर्ष के लिए सीआई का मान, और पहले वर्ष के लिए सीआई का मान कितना है, 3 रुपये है। तो दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये आएगा सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आएगा, 4 रुपये आएगा टोटल। लेकिन क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है 4 रुपये है, क्वेश्चन तो कह नहीं रहा है कहीं भी 4 रुपये है, क्या कह रहा है 280, कितने गुना ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा। तो क्या हमारे पास मूलधन भी अपने आप से 70 गुना ज़्यादा नहीं होगा, 70 गुना ज़्यादा होगा कि नहीं होगा बताइए, 630, 630 रुपये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कितना टाइम लगा, ये समझा रहे थे बस टाइम लगा, नहीं तो आप लोग तुरंत करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, 9 का 1/3 यहाँ पे लगा, ये 70 गुना ज़्यादा कह रहा है, बस तुरंत आंसर विद इन सेकेंड में। समझ में आया, फिर से समझिए, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझा रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद आप लोग कुछ कम समझ में आया हो, इसलिए फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर तैंतीस से एक बटे तीन प्रतिशत की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है, दूसरे वर्ष के लिए सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज के मान 280 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, हम तो बताएं आप लोग ट्री मेथड क्या होता है, मूलधन हम मान ले रहे हैं 2 वर्ष दिया है, इसलिए 3 का स्क्वायर मान लिया जाता है, 3/1 प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसको हम मान ले रहे हैं कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 9 रुपये का 1/3 साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए लगेगी, दूसरे वर्ष के लिए भी भाई वही लगेगी, साधारण ब्याज तो दोनों वर्षों के लिए सेम होती है। अब देखिए जो दूसरे वर्ष पे ब्याज लगती है वो कितना होगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो साधारण ब्याज पे भी ब्याज लगेगी, 3 रुपये पे ब्याज कितना लगेगी, 1/3 इसी दर से तो लगेगी ना, यानी 1 रुपये टोटल पहले वर्ष में हमें 3 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली है, दूसरे वर्ष में 1 रुपये यानी 3 × 4 रुपये दोनों वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली है। लेकिन क्या कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए कितने मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष के लिए 3 रुपये मिलेगी, दूसरे वर्ष के लिए भी कितना मिलेगी, 1 यानी 3 रुपये यानी 4 रुपये ब्याज मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया, ये कितना है, 280 रुपये है, कहीं 4 रुपये कहीं नहीं है, कितने गुना ज़्यादा है, तो हम देखेंगे 4 का कितने गुना ज़्यादा है, 70 गुना ज़्यादा यानी 280 रुपये है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मूलधन भी अपने आप से 70 गुना ज़्यादा 963 यानी 630 रुपये हो जाएगा। समझ में आया, चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर ये रहा, करा यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 16.3% प्रथम वर्ष के लिए, यानी इसका क्या दिया है, 16.3% प्रथम वर्ष के लिए यानी पहले वर्ष के लिए जो दर दिया है 16.3% तथा 14.3% द्वितीय वर्ष के लिए रखा जाता है, यानी पहले वर्ष के लिए इसका रेट परसेंटेज चलेगा क्या, लिख लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए रेट परसेंटेज का मान कितना दिया है हमारे पास 16.3%। हमें मालूम है आप लोग अगर इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग अगर ध्यान न देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चनों में को सॉल्व करने में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही धैर्य के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट हम लोग आंसर ले आएंगे। अब देखिए द्वितीय वर्ष के लिए जो रेट परसेंटेज दिया है, द्वितीय वर्ष के लिए सेकेंड ईयर के लिए रेट परसेंटेज हमें कितना दिया है, रेट परसेंटेज सेकेंड ईयर के लिए हमें दिया है 14.7%। अब अगर आप लोग हमारा परसेंटेज का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है आप लोगों को इसका जो मान होगा फ्रैक्शन में 1/6 होगा, इसका फ्रैक्शन में क्या होगा मान 1/7 होगा। नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए, हमारे अगर चैनल पे जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में तो वहाँ देख लीजिएगा मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल एग्जाम, उसी में जाएंगे तो परसेंटेज के देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए 1/6 1/7, अब यहाँ पे क्या दिया है, हमसे पूछ रहा द्वितीय वर्ष के लिए सीआई दिया है, सेकेंड ईयर के लिए सीआई कितना दिया है, सेकेंड ईयर के लिए सीआई के मान यानी चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड ईयर के लिए हमें दिया है कितना, 300 रुपये है। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारे पास क्या रहा होगा। अब ध्यान से समझिए, अभी तक क्या था, रेट परसेंटेज सेम था, लेकिन अब क्या कह रहा है, पहले वर्ष के लिए इतना दूसरे वर्ष के लिए इतना, मैं आप लोग बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। अब इसमें आप लोग सोचेंगे इसमें पी क्या माना जाए ना, यही सोच रहे हैं, नहीं जब तक आंसर आ गया होता। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन बचे 1/2 1/6 है 1/7 है, मान लीजिए क्या होगा, यहाँ देखिए 6 और 7 ध्यान से समझिए, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा 42 है 42, मान लीजिए क्या, मान लीजिए पी
पी कितना मान ले रहे हैं हम लोग 42। जैसे उसमें हम लोग यहाँ अगर 6 होता रेट परसेंट है तो 6 × 6, 6 का स्क्वायर मान लेते थे ना, 6 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 1% फिर 6 से 7 होता तो क्या मान लेते 36 ए पी हम मान लेते कितना होता 36, यानी प्रिंसिपल इतना मान लेते। लेकिन इसमें तो ये कंडीशन चल नहीं रही है, इसलिए हम लोग क्या मान ले रहे हैं इसको, कितना मान ले रहे हैं 46 42, पी कितना मान ले रहे हैं 42। अब देखिए देखिए पहले के लिए क्या होगा, पहले वर्ष के लिए जो इसका रेट परसेंटेज चलेगा, ध्यान से समझिए, कह रहा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास क्या होगा, इसका मान निकालेंगे तो 1/6 1/6, 6 यहाँ 42 का 1/6 कितना होगा हमारे पास 7 होगा, 42 का 1/6 7 × 42 होता है, 6 × 7 42, 1/7 कितना होगा, यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज हो जाएगा किस रेट पे होगा, 1/7, यानी कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अब देखिए 6 क्यों होगा, यहाँ पे रेट परसेंटेज जो चलेगा 1/7, 42 का 1/7 7 × 42, यानी कितना होगा 6 रुपये होगा। अब फिर हमसे क्या कह रहा है, आगे ध्यान से समझिए, आगे जो सेकेंड ईयर पे लगने वाला है ब्याज, देखिए ये तो फर्स्ट ईयर पे साधारण ब्याज, सेकेंड ईयर पे साधारण ब्याज आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या लगेगा, अगर CI लेंगे तो फर्स्ट ईयर के साधारण ब्याज पे भी लगेगा, कितने के रेट से लगेगा, हमारे पास क्या होगा 1/7 का 1/7, यानी 1 रुपये हमें मिलने वाला है CI, 1 रुपये CI सेकेंड ईयर में भी मिलने वाला है। अब ध्यान समझिए, हमारे पास क्या होगा, ये 6 और 1 7, यानी टोटल हमारे पास सेकेंड ईयर में जो ब्याज मिलने वाला है CI का मान 7 रुपये मिलने वाला है, कितने मिलने वाले हैं 7 रुपये में, जो CI हमें मिलने, पहले वाले में CI और SI सेम है तो पहले वाले में 6 रुपये मिलेगी, और सेकेंड ईयर में 6 पे भी कितना लगेगी 1 रुपये मिलेगी 7, यानी कितना मिलेगी हमारे पास 6 पे 1 मिल रही है ना, कितना में 7 पे या इस रेट पे मिलेगी तो 7 पे 1 मिल रही है, यानी कितना मिलेगी हमारे पास 7 रुपये क्या मिलेगी CI मिलने वाली है सेकेंड ईयर में टोटल ओवरऑल। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, क्या होगा 6 रुपये पहले ईयर में हमें मिली, और सेकेंड ईयर में इसमें भी क्या होगा 6 6, ये तो SI हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा 6 तो 7 तो मिल ही रही है, 7 तो मिल ही रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान, 6 तो मिल ही रही है लेकिन 1 रुपये इस पर भी मिल रही है, कितना मिलनी चाहिए 7 रुपये मिलनी चाहिए, लेकिन सेकेंड ईयर में वो कह रहा है सेकेंड ईयर की CI जो हमारे पास हुई है वो 7 नहीं है 300 है, कितना है 300 है। अब देखेंगे इससे कितने गुना ज़्यादा है, तब आप लोगों के दिमाग में चल रहा है ये तो पूरा कट ही नहीं रहा है, गुणा में बन ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है 300 है, तो हम लोग इसको मान ले रहे हैं कितना हो जाएगा 300/7 गुना, तब तो कट जाएगा ना, अगर हम लोग 7 × 300/7 कर रहे हैं कितना आ जा रहा है 300 ही आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 300 ही क्या रहा है इसका मान आ जाएगा अगर गुणा करेंगे तब। अब देखिए क्या हमारे पास ए अमाउंट भी ए क्या हो रहा है प्रिंसिपल, यानी ये मूलधन भी अपने आप से इतने रेशियो में बढ़ेगा, किस गुना से हो जाएगा 300/7 गुना होगा, भाई ये 42 ना होकर अपने आप से 300 × 300/7 गुना होगा। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 42 × 300/7, 7 × 42, 7 × 7, 7 × 42, यानी जो हमारे पास मूलधन आने वाला है 1800 आने वाला है, कितना आने वाला है 1800 आने वाला है। इसमें कुछ करना नहीं है सेकेंड ईयर के रेट, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 1/6 यानी क्या होगा 6 रुपये मिलेगा, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ है 1/7, ध्यान से समझिए कितना है हमारे पास 1/6 है ना, 1/6 ये अलग है, थोड़ा सा इसको मैक्स कर रहे हैं या इसको मिटा दे रहे हैं, अब समझ में आएगा आप लोग, ये 1/6 ये क्या है 1/7, थोड़ा सा जगह की कमी थी, हो सकता है आप लोग कुछ कम समझ में आया हो तो फिर समझा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1/6, पहले ईयर में हमें क्या मिलेगा ब्याज जो मिलेगा 1/6 साधारण ब्याज, और दूसरे ईयर में क्या होगा साधारण ब्याज अगर देंगे तो 1/7 यानी 6 रुपये, यहाँ 7 रुपये। अब कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1/7 है, 7 पर भी क्या होगा 1/7 मिलेगा, टोटल पहले वर्ष में जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली थी 6, दूसरे वर्ष में 1, टोटल मिली कितनी है दूसरे वर्ष में, हमें क्या कह रहा है द्वितीय वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल रही है 7 रुपये मिल रही है, कितनी मिल रही है 7 रुपये मिल रही है, 7 नहीं मिल रही 300 मिल रही है, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है 300 मिल रही है, तो हम देख रहे हैं 7 न मिलकर अपने आप से 300 रुपये मिल रही, तो अपने आप से कितने गुना ज़्यादा होगा 300/7, ये भी हमारे पास अपने आप से 300 × 300/7 गुना ज़्यादा होगा। समझ में आया, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहा है,
करा किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है। सी आई यानी एस आई के मान हमें दे दिया है कितना, 200 रुपये। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए एस आई के मान दे दिया है। और फिर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपये है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। रेट परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, रेट परसेंटेज सेम कर रहा है दोनों के लिए, और हमसे अंतर दिया है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई का अंतर दिया है कितना दिया है, 7 रुपये है उतने ही समय का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का सिर्फ हम लोग बता हम आपको बता रहे हैं एक शानदार बेहतरीन मेथड, वही मेथड होगा ट्री मेथड जो अभी अभी बताए थे आप लोग। मान ले रहे हमारे पास पी रुपये रही होगी, पी रुपये राशि रही होगी, यहाँ तो इसमें रेट परसेंटेज दिया नहीं है कि उसका स्क्वायर मान लेंगे, वही तो हमें निकालना है। पी रुपये राशि होगी तो हमारे पास क्या कह रहा है, पहले वर्ष के लिए इसमें क्या होगा, एस आई का मान 100 रुपये होगा, दूसरे वर्ष के लिए भी एस आई का मान 100 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 200 वर्षों के लिए 200 रुपये दिया है, सी आई का मान एस आई का मान कितना दिया है, 200 रुपये दिया है 2 वर्ष के लिए। तो अगर हम लोग जानते हैं एस आई का मान जो होता है पहले वर्ष में भी सेम होता है, दूसरे वर्ष में भी सेम होता है, तो 2 वर्षों के निकालने के लिए 2 से भाग दे देने कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, यानी 100 रुपये पर ईयर्स क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उस धनराशि यानी पी पर। अब देखिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि 7 रुपये है दोनों का अंतर, यहाँ से अगर ये हमारे पास क्या होगा 100 100, दूसरे वर्ष में यहाँ मिलने वाला है कितना, 7 7 क्यों मिलेगा, ध्यान से समझिए, 100 रुपये तो हो गया, 100 रुपये हो गया। अब देखिए 200 रुपये हमारे पास क्या हो गया, ब्याज हो, ये साधारण ब्याज हो गया, और दोनों का अंतर दिया हमें कितना, 7 दिया है, यानी क्या होगा 100 रुपये पे 7 रुपये मिलेगा, 100 रुपये पे 7 रुपये अगले साल भी क्या मिल रहा है हमें, ब्याज मिल रहा है 7 रुपये, इस पर भी तो मिल रहा है ना, तभी तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, पहले वर्ष भी 7 रुपये मिल रहा है। अब देखेंगे कितने, देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, हमेशा ये आता है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई आ गया ना 2 वर्षों के लिए, कितना आ गया, 7 रुपये आ गया। अब ध्यान से समझिए, हमें 100 रुपये पे 7 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 7 रुपये मिल रहा है, सेम रेट परसेंटेज दिया है। अब रेट परसेंटेज परसेंटेज में मान निकालने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, 7% आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 7% आंसर आ जाएगा। दर हमारे पास कितनी होगी, रेट परसेंटेज का मान कितना होगा, 7%। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं हम, पहले वर्ष के लिए हमारे पास क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया दूसरे, तो पहले वर्ष के लिए 100, दूसरे वर्ष के लिए 100। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पर भी ब्याज, ये कह रहा है कि दोनों का अंतर 7 रुपये है, तो दोनों का अंतर 7 यानी 100 रुपये ही 100 रुपये ही। अब दूसरे वर्ष में ज़रूर 100 रुपये पर हमें कितना मिली होगी, 7 रुपये एक्स्ट्रा मिली होगी, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगी इसी रेट से भाई मिलेगी, ये चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होती है, 100 रुपये पे 7 रुपये मिलेगी, 100 रुपये पे किसका बटे, किसका बटे कितना, 100% का मान आ गया कि इस मतलब रेट परसेंटेज से ब्याज मिलेगी। समझ में आ गया, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, करा यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये है, तो उसी दर से 2 वर्ष के लिए और उसी दर से 2 वर्ष के लिए और उसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए टी बराबर 3 वर्ष दिया है हमारे पास, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है हमारे पास, एस आई का मान कितना दिया है, 225 रुपया। अब ध्यान से समझिए, अगर हम आपसे कहें 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा भाई, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से जैसे भाग देंगे तो 1 वर्ष के लिए आ जाएगा 3 7 21 3 5 15, यानी 1 वर्ष का जो हमारे पास एस आई आने वाला है, 1 वर्ष का जो एक एस आई आएगा कितना आएगा, 75 रुपया आएगा, 75 रुपये आया होगा। अब देखिए 2 वर्ष के लिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 153। अब फिर से क्या कह रहा है हमसे, मूलधन इसमें अब की बार क्या पूछा है, पी बराबर पूछा है। अब देखिए पी निकालने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं रेट की रेट परसेंटेज की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास पी का मान भी आ जाएगा। अब आर का मान कैसे निकालते हैं, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है,
क्या करना, मान लें हमारे पास क्या रहा होगा, पीर पे रहा होगा, पीर पे धनराशि रही होगी, तो इसमें दो वर्षों के लिए कह रहा है, तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी, वो साधारण ब्याज कितनी होगी, 75 रुपये, दूसरे वर्ष में भी कितनी होगी, साधारण ब्याज हमें 75 रुपये मिलेगी, दो वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितनी होगी, 150, और फिर क्या कह रहा है, दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिल रही है हमारे पास, 153, तो कितना मिल रही है, ये 3 पे मिलेगी तभी तो होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज 153, 75 है, और 3 रुपये मिलेगी तभी तो हमारे पास ब्याज पे ब्याज बनेगा, तभी तो हो जाएगा कितना, 153। ये हमेशा आता है सीआई माइनस एसआई का डिफरेंट आता है, कितना आ रहा है, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंट, ये हमेशा क्या आता है, सीआई माइनस एसआई दोनों का अंतर आ रहा है, देखेंगे अंतर निकालेंगे तो आप लोग, 3 रुपये आ रहा है। अब देखिए 3 रुपये एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है कितने पे, 75 रुपये तो 3 रुपये मिल रहा है, अब किस परसेंटेज से मिल रहा है इसके लिए हम लोग सौ से गुणा करा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, 25 चौका 100, 25 3 75, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, आर का मान यहाँ पे आ जाएगा, रेट परसेंटेज का मान आ जाएगा 4%, रेट परसेंटेज का मान कितना आएगा, 4% आ जाएगा। देखिए यही रेट से तो जो हमें ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में, जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा ये इसी रेट से मिलेगा, इसी रेट से ये भी मिलेगा, इसी रेट पर ये भी मिलेगा, तो रेट हमारे पास क्या होगा, सॉरी रेट हमारे पास क्या होगा, सभी के लिए क्या होगा, समान होने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर आ गया हमारे पास 4%। जैसे ही आर बराबर 4% आ गया, सभी लोगों को मालूम होगा एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बाई हंड्रेड। एक वर्ष के लिए देखेंगे तो 75 रुपये हमें साधारण ब्याज मिल रहा है, अब पी का मान हमारे पास कितना दिया है, पूछ रहा है, आर का मान 4%, अभी निकाले हैं t=1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना होगा, 4 25 हमें 100, पी बराबर हो जाएगा हमारे 25 5 125 5 6 12 25 7 175 12 कितना हो जाएगा, 125 6 125 7 175 में 12 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1875 1875 क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कितनी धनराशि रही होगी हमारे पास, 1800 रुपये रही होगी। अब देखिए अगर निकाल सकते हैं आप लोग, अगर डाउट हो तो आप लोग इसको अपने फार्मूले से निकाल सकते हैं, हमेशा आंसर एग्जैक्ट आएगा। किसी बच्चे ने हमसे आज कहा था ये सब रॉन्ग है, फेसबुक पे किसी ने कमेंट किया था ये सब गलत है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बच्चा आप लोग देखिए ध्यान से समझिए, सभी आप हमसे बड़े होंगे हमें मालूम है, या फिर आप हमसे छोटे हैं, तो आप लोग ऐसा किसी से ना कहिए कहिए कि नहीं ये गलत है, गलत आप लोगों को कुछ नहीं बता रहे हैं, जितना मेथड हो रहा है सब शानदार मेथड बता रहे हैं। और मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपको पूरी की पूरी मैथ समाप्त करने वाला हूँ, RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, NTPC के लिए नहीं, ये ग्रुप पूरी की पूरी मैथ, ये देखिए हम ये नहीं कह रहे आपको हर एक चैप्टर, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा होगा हमारे पास RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, वो पूरा का पूरा लेके आने वाला हूँ। अब प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन आप लोग लग रहा होगा ये सब आसान है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है। अगर हमें दिया दो वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दे दिया, और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, हमसे कह रहा है कि मूलधन बताइए आप कितना होगा, ये आसान काम नहीं है। अभी आप लोग इसको अगर करने चले जाएंगे फार्मूले मेथड से, आप लोग अगर करेंगे खुद समझ में आ जाएगा कितना टाइम लगता है, यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है आप लोग खुद देख रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, विद इन सेकेंड में आंसर आ जा रहा है, कहीं ऐसा मिलने वाला नहीं है आप लोगों का कंटेंट। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा, थोड़ा सा उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब कमेंट कोई कर दे रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को हर एक क्यों का जवाब देता हूँ। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, करने का मेथड तो आप लोगों के पास बहुत होगा, हमें भी मालूम है 3-4 मेथड मालूम है, चाहे जिस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो बेस्ट होगा वो मेथड हमें पहुँचाना, आप लोगों के पास वो मेथड पहुँचाना हमारा कर्तव्य है, हम मानते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, उत्तर उसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, देखिए ये होमवर्क के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन को अपने से
होमवर्क पे यानी घर पे करके आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेथड आप लोग अगर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो आप लोग जिस मेथड से करना चाहते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा जो मेथड आता हो उसी मेथड से करिए, लेकिन आप लोग इस मेथड को ज़रूर सीख लीजिए। ये मेथड बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में आप लोगों को टाइम बचाने के लिए। एग्ज़ाम में हर कोई बैठता है, हर कोई तैयारी करके जाता है, लेकिन जो कम समय में क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है वो कर लेता है, वही क्या होता है एग्ज़ाम का विनर हो जाता है और वो फाइट करके चला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 1000 जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा, थोड़ा सा व्यवस्था बना के बढ़िया सा सेटअप करके आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा मैथ की। मैं आपको मैथ को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Bye, take care.